होली आने वाली है, लिहाजा अभी से ही इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन होली के साथ ही एक और होली भी आने वाली है, जिसे हम वार्डों की होली भी कह सकते हैं, और उसकी भी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। नगर निगम चुनाव की तैयारी में अभी से नेता जुट गए हैं। गोरखपुर के रेलवे ग्राउंड में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन आशीष यादव के द्वारा किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट समेत भारी संख्या में लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। होली मिलन समारोह में फूलों की होली भी खेली गई, और इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। होली का ये त्योहार मैं समझता हूँ जितना अच्छा होना चाहिए था, गरीब आदमी भी इसमें शिरकत कर पाता। केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने होली के इस त्यौहार में जो मिठास थी, उस मिठास को भी समाप्त करने का काम किया है। आज आप देख लीजिए, देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई ने आम गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है, मुहाल कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में होली का त्यौहार गरीब आदमी कैसे मना पाएगा। कार्यक्रम होली का था, लेकिन इसी बहाने कार्यक्रम के आयोजक आशीष यादव का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक कर संगठन को मजबूत करना भी था, और हुआ भी यही। वार्ड चुनाव से ठीक पहले आशीष यादव ने अपनी दावेदारी ठोकते हुए प्रीतम सिंह के सामने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। इस पर प्रीतम सिंह ने भी कहा कि पार्टी कुछ इसी तरह से लोगों के बीच जाने की कोशिश करेगी। आशीष यादव ने मौजूदा पार्षद पर हमला बोलते हुए कहा कि वार्ड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ के हाल इसके बावजूद भी खस्ते हैं। हमने एक जनता से मिलने का एक मौका ढूंढा, क्योंकि त्यौहार आ रहा है होली का, तो इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता था। तो हमने उस अवसर को एक तरह से अपने लोगों की जो जनता हमारे परेशान है उसको इकट्ठा करने का काम किया है। और आज इस मंच से ये हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस वार्ड में अभी कांग्रेस का बहुत अच्छा बहुमत है। होली पर इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित कर कांग्रेसी अपनी ताल ठोक रहे हैं और पस्त पड़ी कांग्रेस को उठाने का काम भी कर रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगी या नहीं। कांग्रेस पार्टी और होली का जो त्यौहार है उसमें सभी लोग, सभी धर्म प्रांत और जितनी भी मतलब हम जाति व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए कांग्रेस हमेशा आगे बढ़ी है, तो होली का त्यौहार भी उसी का प्रतीक है। यहाँ का जो क्षेत्र हमारा एमडीडी और दीपनगर बाढ़ है, इसको एक स्वच्छ और अच्छा वार्ड बनाने का काम करने का हमारा विचार है और हम करेंगे। और दोनों ही हम ये मैं 100% ये बोलता हूँ, एमडीडी और दीपनगर कांग्रेस की झोली में हम पार्षद दोनों खड़े कर देंगे। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रवण सेमवाल की रिपोर्ट। संवाद 365 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।